तो इस वक्त बात करेंगे कि आखिर बिहार बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है और कब तक निर्णय आने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी पर दबाव इस बात का है कि सहयोगी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो हमारे साथ विवेक हैं। विवेक, बीजेपी दफ्तर में इन दिनों क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ चिराग दबाव बनाए हुए हैं, जेडीयू कह रही है कि हमारी 16-17 सीटें थी तो हम उतने पे ही लड़ेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव में तो बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता खुद को महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल जो कही जाए तो फूक गया है। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए, तमाम जो घटक दल हैं उनके, एनडीए घटक दल के तमाम लोग अपने दावेदारी कर रहे हैं। और ऐसे में पीछे 2019 की अगर बात कर लिया, उस समय जेडीयू भी साथ में थी, तो जेडीयू को 17 सीट मिली थी और ऐसे में उनके अभी 16 एमपी हैं। तो ऐसे में जेडीयू जो कर रही है कि हमारे जितने एमपी है उतना तो हमें सीट चाहिए ही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये इस बार ये है कि इस बार एनडीए में कई घटक दल शामिल हैं, चाहे वो जितना मांझी की पार्टी हो, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की नई नवेली पार्टी वो है, उसके साथ चिराग पासवान है, चिराग पासवान के साथ उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं। उस समय अगर बात कर लिए तो उस समय तीन ही पार्टी के हुआ करता था, चिराग पासवान की पार्टी और उसके साथ जेडीयू और बीजेपी। इस बार जो कही जाए तो उनके सहयोगी जो दल हैं वो दलों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में लेकर जो कही जाए तो बीजेपी जो कह रही है कि हमको 20 सीट पर कम से कम हमको 20 सीट तो चाहिए ही, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बिहार में वो अपना कुनवा खोज रही है कि बिहार में जो जनाधार है वो जनाधार फिर से हम वापस करें। ऐसे में साफ तौर पे जो बीते दिनों जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बिहार में दौरा था पालीगंज में, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बिहार वालों ने 31 सीट दिया था, और 2019 में जब हम नीतीश कुमार के साथ में आए थे तो हमको 39 सीट मिला था, इस बार जो है 40 की 40 सीट चाहिए एनडीए के झोली में। ऐसे में साफ तौर पे जो है 40 की 40 सीट जो पे बीजेपी का निगाह टिकी हुई है। लेकिन अब ऐसे में जो जेडीयू है, जो सहयोगी दल जेडीयू के जो 16 एमपी अभी है, क्या 16 एमपी है और जो बात चल रही है कि 13 से 12 पे उनको कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा, क्या नीतीश कुमार मानते हैं बीजेपी के सामने घुटना टेकते हैं या नहीं टेकते हैं? क्योंकि देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो कही जाए तो राजनीति का माहिर खिलाड़ी है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या बीजेपी के सामने घुटने टेकते हैं, यह सबसे बड़ी बात रहेगी। और उसके साथ साथ चिराग पासवान को लेकर जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान है कि हमको पिछले वाले ही फार्मूला चाहिए, पिछले बार जैसे हमको 6 सीट मिला था और एक राज्यसभा मिला था, वैसे में हमको इस बार भी चाहिए 6 सीट चाहिए और एक राज्यसभा किसी को चाहिए ही। ऐसे में साफ तौर पिछले अगर बात करें, उस समय रामविलास पासवान जब हुआ करते थे तो रामविलास पासवान के समय जो रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था और 6 सीट जो था बिहार में 6 सीट दिया गया था, और ऐसे में एलजेपी जो है उस समय एलजेपी 6 सीट की 6 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार जो एलजेपी है दो गुट में बटा हुआ है, एक पारस के गुट में है तो चिराग का गुट में है, और इस बार जो देखना होगा क्या ये किस तरीके से कंप्रोमाइज करती है एलजेपी। वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू का सबसे बड़ा निगेटिव है कि जेडीयू में जो सहयोगी दल हैं, और माफ करिए एनडीए में जो सहयोगी दल है, वो अपनी कहीं ना कहीं जो कहे तो अपना क्षेत्र खोज रहे हैं। जो जीतन राम मांझी की बात कर लिया तो जीतन राम मांझी गया से आते हैं, तो गया में वो सीट खोज रहे हैं कि गया में हमें चाहिए ही, क्योंकि गया में अभी अगर बात कर लिया तो वहां से जेडीयू के सांसद हैं विजय मांझी, और वो जो है कही जाए तो एससी एसटी जो कही जाए तो सीट है, तो ऐसे में आरक्षित सीट है, तो उस सीट पे क्या इस बार जो है नीतीश कुमार अपने जो सांसद जो है विजय मांझी का टिकट काट के क्या जीतन राम मांझी को कंप्रोमाइज करेंगे, यह देखना होगा। सबकी निगाह इस पे टिकी हुई रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान क्या अगला कदम क्या उठाएंगे यह देखना होगा। क्योंकि अभी जो बता दें कि सुबह में कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आते हैं तो हम उनको सम्मानजनक सीट देंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या कदम उठाते हैं और एनडीए में कब तक सीट बंटवारा को लेकर सारा जो संशय स्थिति है वो खत्म होती है। जी उदय, चलिए विवेक, देखने वाली बात यह होगी कि अब अंतिम मोहर कब लगती है और कब तक नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल वक्त की कमी है, आपको भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगता है कि और एक दिन का इंतजार या कुछ घंटों का इंतजार, क्योंकि नीतीश कुमार के आने का इंतजार था वो भी आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक और किस